अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग ब्लॉग बना के उससे पैसे कमा सकते हैं। तो ब्लॉगिंग का जो काम है हमारे लिए बहुत आसान है। हम सबसे पहले इसका अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर जाके आप लोग लिखे blog.pk लिख दें। blog.com लिखेंगे जो सबसे पहले आएगा blogger.com, इसके ऊपर आप जाके क्लिक करें। ये बहुत ही आसान काम है, इसके ज़रिए से आप लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ये सामने आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट योर ब्लॉग। अब यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेट की स्पीड ज़रा स्लो है, ये देख ले। यहाँ पर जाके आपके जैसे ही गूगल साइन इन का ऑप्शन आएगा, अब वहाँ पे जाके अपना ईमेल एड्रेस वगैरह लिख देंगे, जीमेल की जो आईडी है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड लिख दें, जो भी आपका पासवर्ड है। चलिए, ये हमारे पास कुछ आईडीज लगी हैं, तो हम इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमसे वो मांगेगा कि आप क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। आप अपने ब्लॉग का कोई भी टाइटल रख सकते हैं, कोई भी नेम रख सकते हैं। जिस तरह से कह लें कि हम कोई न्यूज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, अपनी आप डेली रूटीन के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं अली डेली रूटीन। अब इसके अंदर क्या होगा, जाके आप लोग अपनी डेली रूटीन के बारे में सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आपका एड्रेस मांगेगा, आप सेव कर लें aliblogspot.com। ये साथ साथ आपको ऑप्शन देता जाएगा कि अवेलेबल है अभी कि नहीं। ali786 नहीं जी, तो ये भी नहीं है। अली स्टोरी डेली रूटीन, तो ये आपसे कह रहे इनवैलिड है। तो जो भी आपका मैच होगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट प्रोसीड करें। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे पास डेली रूटीन 7861, ये मैंने लिखा है। तो ये नीचे आ गया कि द ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल, मतलब ये वाला एड्रेस हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे, अब आपका कोई भी नेम जो डिस्प्ले हो वो आप कह लें स्टोरी एंड न्यूज, या डेली स्टोरी, डेली डेली रूटीन। चलेंगे फिनिश, ये आपका नेम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगी सारी इसकी सेटिंग आ जाएगी। अब सेटिंग के अंदर आप आके देखेंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर ये कॉर्नर के ऊपर ये थ्री जो डॉट्स बने हुए हैं, ये मेन थ्री लाइन जो बनी है, मेन मेन्यू हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सबसे पहले ये पोस्ट है, यानी कि आपने जो भी पोस्ट वगैरह करनी है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप नेक्स्ट इसकी पोस्ट अपनी पब्लिश कर सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे या इसके अंदर वो यहाँ से जाके पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टैट्स देखेंगे कि कितने लोगों ने आपका ब्लॉग जो है वो व्यू किया है, और कितने लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, पोस्ट किए हैं। और इसी तरह से यहाँ से जाके आपकी अर्निंग का शो हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप एक महीने के अंदर तकरीबन 30 पोस्ट यहाँ पर लगाएंगे, और उसके अंदर तकरीबन हर पोस्ट के ऊपर 25 व्यूज़ होंगे, 25 लोगों ने वो देखा होगा। फिर आप एडसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेआउट आ जाएगा, पेजेस आ जाएंगे, आप अपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर लगा सकते हैं। पेज आ गया, इसके ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज हमारे पास क्रिएट हो जाएगा।